नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एमएन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नुपुर शर्मा के बयान पर देश में लगातार हिंसा भड़की वो सोचनीय है। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में हिंसा भड़की और जमकर भी बवाल पैदा हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कई शहरों में भी हिंसा देखने को मिली और ऐसे में योगी सरकार एक्शन में आ गई। यूपी में दबंगइयों पर काबू पाने का योगी सरकार का जो मॉडल है उस पर सरकार ने अपना काम करना अब शुरू कर दिया है। जो दंगे फैलाएगा वो बच नहीं पाएगा, कानून के शिकंजे में जरूर आएगा। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अब चाहे कानपुर हो या प्रयागराज या सहारनपुर, हर ओर योगी सरकार का मॉडल अब एक्शन में है। हिंसक प्रदर्शनों के दौर में एक हफ्ते बाद अब कानपुर में दबंगइयों पर बुलडोजर के एक्शन का दौर शुरू हो चुका है। जिन्होंने कानपुर दबंगों में पत्थर चलाए, गोलियां चलाई और अब उनके घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। कानून में घरों पर बुलडोजर चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है और इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ कहा जाता है ने सीएम योगी कोई हिसाब चुकता नहीं रखते। किस तरह से वो हिसाब को चुकाते हैं उसकी तस्वीर अब आपको दिखा सकते हैं। पत्थरबाजों के आका को जवाब किस तरह बुलडोजर से दिया जा रहा है वो आपके सामने है। दरअसल जुमे के नमाज के दिन प्रयागराज में जो हिंसा हुई उस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जावेद अहमद का घर बुलडोजर से ढाया गया। रविवार को पुलिस बल के साथ पहुंची प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम ने घर का मुख्य दरवाजा गिरा दिया और इसके साथ ही बाहरी दीवारें भी तोड़ दी। दो दो बुलडोजर तेजी से घर को गिराते चले गए। इसके साथ ही साफ हो गया कि यूपी में हिंसा मामले पर योगी सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। जावेद अहमद पंप को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से कहा जा रहा है कि जावेद पंप को 25 मई को ही घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में जावेद अहमद का नाम सामने आने के बाद हो रही कार्यवाही को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद पंप के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटी का भी हाथ भी होने की बात कही जा रही है। जावेद पंप के खिलाफ रविवार को हो रही कार्यवाही को पूर्व में जारी नोटिस के आधार पर किए जाने का दावा किया जा रहा है। पीडीए के अधिकारियों की ओर से सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि दोपहर में पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। जावेद पंप के खिलाफ भले ही मामला पुराना बताया जा रहा हो लेकिन प्रयागराज हिंसा मामले में मुख्य आरोपी के रूप में उनकी गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर कार्यवाही के जरिए बड़ा संदेश दिया गया है। बुलडोजर एक्शन से पहले जावेद पंप के घर जेके आशियाना कॉलोनी में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ कई अधिकारी भी मौके पर थे। जावेद के घर को छावनी में किस तरह से तब्दील कर दिया आप देख सकते हैं और वही छावनी में तब्दील करने के बाद बुलडोजर की कार्यवाही की गई है और आपके सामने है। आपको बता दें, इससे पहले कानपुर और सहारनपुर में हिंसा के आरोपी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के घर बुलडोजर चलाया गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हिंसा करने वाले आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया गया, जिस पर यूपी पुलिस का कहना है कि आरोपियों के घर पर अवैध निर्माण को गिराया गया है। कानपुर में कार्यवाही पर पुलिस अफसर का कहना है कि जो इस बिल्डिंग में ध्वस्तीकरण किया गया वो हिंसा के मुख्य आरोपी से जुड़ा भू माफिया है। योगी सरकार के एक्शन पर रिएक्शन जारी है और अब आगे किसके घर पर बुलडोजर चलता है इस पर सबकी निगाहें हैं। योगी की कार्य कुशलता और कानून व्यवस्था पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो देखा आपने कि जहां एक तरफ योगी सरकार फुल एक्शन में नजर आ रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और कानून में घरों पर बुलडोजर चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं। इसी सवाल के साथ में विवेक श्रीवास्तव जो कि बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहूंगी क्या कुछ कहना है आपका इस बात पर। चला है वो कानून के तहत ही चला है, ये आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए अपनी। यामिन जी, जो ये बुलडोजर चला है ये कानून के तहत ही चला है, उसी कानून के प्रावधान से ही चला है। जो भी अवैध निर्माण है जी, यदि वो विकास प्राधिकरण के दायरे में आते हैं तो विकास प्राधिकरण से नक्शा पास कराना पड़ता है जी, और अगर जिला पंचायत के दायरे में आते हैं तो जिला पंचायत से नक्शा पास कराना पड़ता है। पर विवेक जी, हिंसा से पहले तो अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जब कानपुर में हिंसा हुई इसके बाद चुन चुन कर ये कार्यवाही की जा रही है और उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कर रही है जो कि हिंसा में शामिल थे, तो ये तो कानून के विरोध हुआ ना, घरों पर बुलडोजर चलाना कहाँ का कानून है। नहीं, ये बताइए जी, आप ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रह रहे हैं, लोकतंत्र है, आप किसी विषय पे आपका विरोध है तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो ये सवाल उठा रहा है कि कानून में घरों पर बुलडोजर चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना, यामिन जी, आप मेरी बात सुन ले जी। जो विकास प्राधिकरण है उसके दायरे में आते हैं, वहां से नक्शे पास कराने पड़ते हैं जी। आपने नक्शा पास कराया या नहीं कराया जी, या उस नक्शे से इतर निर्माण कर लिया, इनका तो पूरे मकान का नक्शा ही नहीं पास था जी, अवैध तरीके से निर्मित मकान में रह रहे थे जी। तो देखिए, सवाल क्यों नहीं उठे, अभी से पहले तक सवाल क्यों नहीं उठे थे, अभी सवाल क्यों उठ रहे हैं कि उनका जो घर है वो नक्शे के अकॉर्डिंग नहीं बना है, अब ये सारी चीजें अब क्यों आ गई हिंसा के बाद से। मैं उसी बात कंप्लीट कर रहा हूँ अमीन जी, मुझे एक मिनट समय दे दीजिए जी, जी। अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। होता क्या है कि जब अवैध निर्माण होता है तो विकास प्राधिकरण उस पर नोटिस देता है जी, नोटिस में इनको भेद प्राधिकारी के यहाँ बुलाया जाता है कि आप अपना पक्ष रखिए जी, भेद प्राधिकारी के यहाँ ये पक्ष रख नहीं पाते, उसमें होता क्या है कि फिर भेद प्राधिकारी उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर देता है जी, और ध्वस्तीकरण का आदेश जो जिसको क्रियान्वयन करना होता है वहाँ पड़ा रहता है जी। अच्छा, इस दौरान जो लोग होशियार होते हैं किसी उच्च न्यायालय वगैरह से जाकर के उस पर स्टे ले आते हैं, अगर उनको मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तो वो अपना अधिकारियों से हाथ पैर जोड़ करके अपना मामला निपटाते रहते हैं, लेकिन वो आदेश एग्जिस्ट करता गिराने का जी। जब शासन प्रशासन को ध्यान आएगा, शासन प्रशासन बुलडोजर लेके आपके मकान पे चढ़ जाएगा। यहाँ मुद्दा ये है कि आप अवैध मकान में रह रहे हैं और पत्थरबाजी की घटना करवा रहे हैं, विवेक जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब कानपुर में हिंसा हुई और उसके बाद जब कार्यवाही की बात की गई तो सीधा ये स्टेटमेंट आ गया कि अब जो हिंसा में लोग शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तो क्या खुद से ही तय कर लिया आपकी सरकार ने? वही तो मैं बता रहा हूँ कि बुलडोजर जो चल रहा है वो कानून के तहत चल रहा है, आप अवैध मकान में रह रहे हैं। अवैध क्या कह रहे हैं सर, मुद्दा क्या है सर, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे? मेरा कहना है कि जब कानपुर में हिंसा हुई आपने देखा कि किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, दोनों पक्ष के लोग थे सर, मुसलमान भी मौजूद थे और जो हाथा था जहां पर हिंदू समुदाय के लोग रहते थे वो भी मौजूद थे वहां पर, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। लेकिन अब जब कार्यवाही की बात आ रही है तो जो लोग मुसलमान जो जिनकी जो कम्युनिटी थी उनके घरों पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा क्योंकि वो हिंसा में शामिल थे, ये बात है आप इस वजह से बुलडोजर चल रहा है। देखिए यामिन जी, विषय ये होता है कि पत्थरबाजी शुरू किसने की जी। आपको अगर मैं पत्थर मारूंगा चार पत्थर तो उसमें से एक पत्थर उठा के आप अपने आप रक्षा में हमारे ऊपर चलाएंगे जी। जिस हाथे को टारगेट, दोनों तरफ से पत्थर चले ना सर, नहीं आप सुन तो लीजिए, एक जगह शुरुआत की गई, एक जगह आप रक्षा में चले, दोनों के विषय अलग हो जाते हैं जी। आप किसी के घर में जाकर के डाका डालेंगे तो घर वाले अगर आपको पत्थर किसने फेंका, पत्थर किसने फेंका ये डिसाइड कौन कर रहा है? इस सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि बलबे की शुरुआत किसने की, ये सब सीसीटीवी फुटेज में है, मस्जिदों के फुटेज में आया है, नगर निगम के द्वारा लगाए गए फुटेज में आया। विवेक जी आपने भी फुटेज देखी और फुटेज हमारे सामने भी है, उसमें हमने देखा कि भीड़ इकट्ठा है, अब
उस भीड़ में कई धर्म के लोग भी हो सकते हैं ना, जरूरी है कि सिर्फ मुसलमान हो उस भीड़ में? देखिए, बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात बलबाइयों की है। जो बलबे में शामिल है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पत्थर देखते हुए आई है, पत्थर हाथ में लिए हुए आई है, पुलिस ने उनको डेवलप करके उनके पोस्टर लगाए हैं। विवेक पांडे जी सपा से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनसे सवाल जानना चाहूंगी, जो मैं उनसे सवाल करना चाहूंगी, जो विपक्ष है अब इस चीज को ऑपोजिशन कर रहा है, जो कार्यवाही होगी, जो घरों पर बुलडोजर चलेंगे, अब उसका ऑपोजिशन कर रही है। विवेक जी, आप पहले अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। विवेक पांडे जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पहले तो मंच को धन्यवाद देते हुए मैं अपने मित्र विवेक भैया को विशेष प्रणाम देता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज बैठ करके अपना तर्क ये प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, समझने वाली बात है कि बुलडोजर का चलना, अवैध निर्माणों पे कार्रवाई होना और पूर्वाग्रह से ग्रसित राजनीतिक कार्रवाई होना तो अलग बात है। अगर आपके यहाँ नगर निगम अधिनियम लागू होता है, अनाधिकृत निर्माण होता है, तो अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस जारी करना चाहिए, जो कि विधिक प्रक्रिया, और उनको जवाब दाखिल करने का अवसर भी दिया जाता है, तर्कयुक्त आदेश पारित किया जाता है बाकायदा, और इसी क्रम में दुकान मालिकों के अदालत जाने विद्वांस के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने का भी विकल्प उपलब्ध होता है, जो कि विधिक प्रक्रिया के अंदर समाहित और समावेश है। नगर निगम अगर आपको कानूनी नोटिस जारी करता है, संपत्ति को हुए नुकसान के हर्जाने के लिए आप दावा कर सकते हैं, हर्जाने के लिए आप मुकदमा दायर करिए। अब सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि जिन दंगाई जिनको दंगाई बता करके, बलवा उपद्रवी बता करके, जिस तरीके से कार्रवाई प्रयागराज से लेकर के अन्य अन्य जिलों में बुलडोजर के माध्यम से हो रही है, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा। मैं आपको अभी एक बात तो तय कर देता हूं कि इस मामले को, ये मामला जिस दिन हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंचा, आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी तय है, क्योंकि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ये सरकार को समझना पड़ेगा, स्व अर्जित संपत्ति और माता पिता की संपत्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी, ये दोनों अलग बातें हैं। आप उस संपत्तियों पे बुलडोजर चलवा सकते हैं जिसमें दोषी स्वयं अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार हो, उसको प्राप्त हो, संपत्ति का स्वामित्व उसको प्राप्त हो, लेकिन जो कार्रवाई हो रही है, जैसे प्रयागराज में एक किसी जो मैं आज सुबह वीडियो में भी देख रहा था, प्रयागराज में किसी जेएनयू की एक बच्ची का वीडियो बराबर सोशल मीडिया पे समय वायरल हो रहा है, उसका मकान बताने ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि पूरी घटना की जानकारी अभी फिलहाल मैंने ली नहीं है, मैं आज दिन में इस पे थोड़ा सा देखूंगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जो बुलडोजर आप चलवा रहे हैं, अभी इन्होंने खुद ही कहा, अधिकारियों से साठगांठ करके, इतने सालों तक आपने वहां पे बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं, इतने सालों से वहां पे पानी आ रहा है, इतने सालों से वहां पे सफाई कर्मी, नगर निगम अपना काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि तय करना होगा कि जिम्मेदारी किसकी। पहले उन अधिकारियों के घर पे बुलडोजर चलवाइए जिन अधिकारियों ने इन अवैध निर्माणों को संरक्षित कर रखा है। सरकार का क्या है, सरकार तो आदेश पारित करेगी, लेकिन मॉनिटरिंग करना सरकार का काम है। सरकार बुलडोजर चलाने नहीं जाती है, लेकिन वो बुलडोजर सही चल रहा है या गलत चल रहा है, अमीर के घर चल रहा है, रसूखदार के घर चल रहा है, या केवल और केवल उससे गरीबों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, ये दो बातें समझने वाली है। योगी जी के स्पष्ट निर्देश है, मैं भी जानता हूं, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन जानता मैं भी हूं, योगी जी ने कहा गरीब को पीड़ित ना करना, जो जो आरोपी नहीं है उसको पीड़ित ना करना, लेकिन ये तय कौन करेगा। जिस तरीके से पुलिस लॉकअप के अंदर की वीडियो वायरल कर दी जाती है, ऐसे हिंसात्मक घटनाओं के बीच में क्या ये आक्रोश बढ़ाने का काम नहीं करती है? और सबसे शर्मनाक बात यह है, एक जिम्मेदार विधायक और मंत्री भाजपा के सत्ता पक्ष में जो कि पदाधीन है, वो उसको बताते हैं कि रिटर्न गिफ्ट। निकृष्ट मानसिकता, इतनी छोटी मानसिकता के साथ आप जिसमें कार्रवाई कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, पुलिस से हाथ जोड़ता बोल भी मांग। तो मुझे लगता है ये तय करने की जरूरत है, जिनको आप अवैध बता रहे हैं, उनको वोटर आईडी उनकी कैसे बनी, उनके उनके वार्डों में चुनाव कैसे हुए। भाई आप अगर बात केवल कार्रवाई की करेंगे तो हर पैरामीटर पे आपको बात करनी पड़ेगी ना, केवल ये नहीं कि बुलडोजर उठा के अतिक्रमण बता के आपने तोड़ दिया। अतिक्रमण की कोई परिभाषा नहीं है, मैं भी सहमत हूं, अतिक्रमण हटा करके अगर आप गरीबों के मकान बनाते हैं तो आईपीसी 447 के तहत ये जायज है, लेकिन वो अतिक्रमण है, इसको पहले डिफाइन तो करिए। उनको वोटर आईडी किसने दिया, उनका आधार कैसे बना होता है, एड्रेस, उनको लाइट के कनेक्शन किसने दिए, पानी के कनेक्शन क्यों मिल रहे थे उनको आज तक, वहां पे वोट क्यों मांगे गए, उनको वार्ड किसने बनाया जी। तो ये बातें भी आपको यहाँ पे जायज तरीके से लानी पड़ेगी सामने, क्योंकि केवल अतिक्रमण बता के आप किसी के आशियाने को नहीं बता सकते।
विवेक श्रीवास्तव जी, इस पर आपका सवाल जवाब देना चाहूंगी। यादवीन जी, विवेक पांडे जी विद्वान अधिवक्ता है और नियम कानून को अच्छी तरह जानते, फिर भी जिस तरह से वो तथ्यों को बरगला रहे हैं। देखिए, बिजली जी, आपको जो बात विवेक पांडे ने कही है वो ये कही है, साफ साफ उन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि जिस बिल्डिंग को, जिन घरों को पहले अवैध बताया जा रहा है, पहले उनका क्लियर आउट तो किया जाए, पहले उनका फैक्ट पेपर्स के सामने आ जाए कि वो वाकई में अवैध हैं या फिर हिंसा के बाद उन्हें अवैध पेश किया जा रहा है ताकि उनके घरों पर बुलडोजर चल जाए। मैं वही बात जो आपसे बता रहा हूँ, देखिए, बिजली कनेक्शन, नगर निगम से पानी का कनेक्शन अवैध निर्माण को वैध नहीं करता। जो अवैध है वो अवैध रहेगा। आप कहीं से कोई कनेक्शन ले ले या कोई आप उसका वो आधार कार्ड बनवा ले, वोटर आईडी बनवा ले, उससे आपका अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाएगा। अवैध निर्माण अवैध है। अब वो उसका तय करना, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा सर, विवेक जी, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जो अवैध है वो यहाँ की खत्म अवैध है, पर हिंसा के बाद उन्हीं घरों को क्यों चुन चुन के बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है? अवैध निर्माण करे के रह रहे हैं और पत्थरबाजी की घटना में शामिल हैं। अच्छा चलिए, अगर ये मुद्दा ना होती, अगर ये मुद्दा ना होता, अगर ये बवाल ना होता, तो फिर तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया था अब तक की। नहीं, देखिए, अवैध निर्माणों पे, अतिक्रमणों पे तो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस घटना के कारण इनका नाम लाइमलाइट में आया, इनका उपाध्याय ने इनको पहले कार्रवाई की जद भी ले लिया। जो खुद शीशे के घर में रहते हैं उनको दूसरों पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, जो आपने पोस्टर देखा होगा उसमें देखा होगा कि जो नाबालिग बच्चे थे वो मतलब गिरफ्तार हुए हैं, तो क्या उनके घरों पर भी, क्योंकि घर अगर तोड़ने की बात की जा रही है तो वो केवल खाली एक शख्स तो उस घर में नहीं रहता ना जिस पर बुलडोजर चलेगा, पूरे परिवार की क्या गलती? क्या अगर बैकग्राउंड चेक किया कि वो लोग वाकई पूरे हकीकतन गैंगस्टर्स की तरफ से है, तो बड़ी कार्रवाई है, घरों पर बुलडोजर चले तो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर छोटे बच्चे किसी के उकसाने पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और इसके बाद अगर आपकी सरकार ये स्टेटमेंट ले रही है कि आप उन घरों पर बुलडोजर चलेगा, क्या कहेंगे इस पर आप? उन घरों पर नहीं चलेगा, भ्रम मत फैलाइए। जो घर अवैध हैं, जिन जो अतिक्रमण के आधार पे हैं, जो बात हो गई मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं, मुद्दे से क्यों आप कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं सर, मेरा सवाल बस इतना था है। आप विषय को आप जिस तरह से भटका रही हैं आमिन शाह जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। नहीं सर, अगर मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ तो मैं विषय से भटका रही हूँ सर, सरकार आपकी है, जवाब आपको देना होगा सर। सवाल जिनके नक्शे नहीं पास है, जो अवैध बनाए हुए हैं, अब तक बात सामने आई विवेक जी, अब तक की क्यों नहीं अवैध और वैध का जो कॉन्सेप्ट था वो आया? बात इतनी सी है कि अब जो मैं शादी वही समझा रहा हूँ जी, आप कोई गाड़ी लेके जा रही है, हो सकता है आपकी गाड़ी के पेपर कम्प्लीट ना हो, आप एक चौराहा क्रॉस कर जाए, अगले चौराहे पे अगर आप किसी को ठोक देंगी, पुलिस आएगी तो कागज आपका मांगेगी, चेक करेगी, कागज कम्प्लीट हो गए तो गाड़ी आपकी सीज कर दी जाएगी। जी, ये तो हो रहा है। अगर आप कोई घटना दुर्घटना को अंजाम दे रहे हैं तो आपके सारे पेपर तो खंगा ले जाएंगे ना। तो फिर आपने डिसाइड कर लिया है कि जो हिंसक होगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बालिग हो या ना बालिग हो, तो पत्थरबाजी का अधिकार थोड़ी मिल जाता है। तो पत्थरबाजी अगर करेगा देश में कोई भी करेगा, हिंदू चाहे मुसलमान, कोई भी करेगा तो घरों पर अपराध करेगा, जो भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेगा। आप प्रदर्शन करिए, कौन रोक रहा है? तो पत्थरबाजी करेंगे, बर्बाद करेंगे। अखिलेश यादव, मायावती, हर कोई ट्वीट कर रहा है इस चीज पर कि जो घरों पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, इसका कोई प्रावधान है ही नहीं सर, कानून में ही नहीं है। बिल्कुल प्रावधान है, यही प्रावधानों के तहत ही बुलडोजर चल रहा है। सर, डिसाइड कौन करेगा, उन वो कौन लोग हैं? क्या पता सर, अभी पूरी कार्यवाही भी नहीं हुई है अभी, मतलब जो तमाम लोग थे उसमें कुछ चुनिंदा लोग तो थे नहीं सर। यामिन शाह जी, मैं बार बार आपको सब बता रहा हूँ, आप घटना को बुलडोजर से क्यों जोड़ रही है? आप बुलडोजर को उनके अवैध निर्माण से जोड़ के देखिए, क्योंकि उनके उन्होंने घटना ठीक है, लौटेंगे मैं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी, लौटेंगे मैं।
दो मिनट का समय दीजिए मुझे, नए सवाल के साथ विवेक पांडे के साथ आऊंगी मैं। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार आने के बाद से जो आम जनता थी, जो आपस में प्यार मोहब्बत से एक एकजुट होकर रहते थे, कहीं ना कहीं इन मामलों के बाद लोगों के बीच जो है वो नफरत और पनप गई है? क्योंकि सोशल मीडिया की अगर बात की जाए तो वहां पे कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं। आपने हाल ही में अगर गोंडा का वीडियो देखा होगा कि वहां पर फकीर जो थे वो ऐसे राह पर जुड़ा चलते लोगों से भीख मांग रहे थे और उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए। कहां तक इंसान है इस बात में? देखिए, आप जो सवाल पूछ रही है उस पर मैं आना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं जरा हमारे मित्र हैं उनका जवाब दे दूं। अभी तक आश्चर्य की बात है कि पहले कार्यकाल तक इनको पता नहीं चला, पांच साल कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरे कार्यकाल में इस हिंसा के बाद इनको पता चलता है कि वो मकान और वो निर्माण अवैध है। तो मैं इसे पूछना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से, लखनऊ राजधानी में आशियाना से लेके गोमती नगर तक जितने मकान सड़कों पे दिखाई देते हैं, क्या वो बाकायदा निर्माण आवास विकास के या एलडीए की परिधि में बने हुए हैं? जी। अगर आप मानकों के अनुसार बात करेंगे, मैं बात पूरी हो जाए, अगर आप मानकों के अनुसार बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा पत्रकार से लेके मनोज पांडे चौराहे तक के जितने निर्माण है उनको ध्वस्त करने चाहिए, लेकिन आप वहां कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है, पहली बात। दूसरी बात, कानून में परिपक्व अपरिपक्व की परिभाषा को बहुत स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया है, 18 साल से कम, 18 साल से अधिक, 21 साल से अधिक, ये बहुत ही स्पष्ट दिया गया है निर्देश कानून के अनुसार कि माइनर और मैच्योर में अंतर क्या होता है। लेकिन अगर आप माइनर बच्चों को भी मैच्योरिटी की नजर से देखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये आपकी सरकार की उपलब्धि है। अब आते हैं सोशल मीडिया पे, बीजेपी के युवा मोर्चे के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा का एक वीडियो आज वायरल हुआ है ट्विटर, 50,000 से अधिक मठ और मंदिर मुक्त करने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं और जिनके अनुसार लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको ये समझना पड़ेगा कि भाजपा के आईटी सेल ने अभी एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कि 15 देशों की, खाड़ी देशों की आपत्ति के बाद भाजपा के कैडर ने अपने आईटी सेल से एक रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें 27 नेताओं की लिस्ट बनाती है भाजपा। 8 साल मतलब सितंबर 14 से मई 2022 तक बयान इनके आईटी विशेषज्ञ द्वारा खंगाले जाते हैं अपने नेताओं के, जिसमें 5200 बयान गैर जरूरी, 2700 बयानों के शब्द संवेदनशील संवेदनहीन और 38 नेताओं के बयान धार्मिक मान्यता को आहत करने वाले। और भाजपा ने अपने इन नेताओं को निर्देशित किया है कि किसी भी धार्मिक बयान देने के पहले पार्टी से अनुमति ली जाए। तो मुझे लगता है कि ये इनको समझने की बात है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कमिश्नरी लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में कानपुर में पहली बार ये पुलिस प्रशासन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षा थी जिसमें वो पूरी तरह फेल हुए, विफल हुए। कानून व्यवस्था की बात करते हैं दुरुस्तीकरण की, उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इतने जिम्मेदार लोगों के होने के बाद भी अतिरिक्त पुलिस बल या पीएससी बटालियन नहीं लगाई गई, अतिरिक्त सुरक्षा के आयामों को स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए और उसके बाद इस तरह की हिंसा का होना, ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था सबसे सुदृढ़ करके चल रहे हैं। इससे बड़ा फेलियर अब क्या देखेंगे कानून व्यवस्था का? मुखिया तंत्र तक को पता नहीं चला जी। और सबसे बड़ी बात, ये कहते हैं कि विपक्ष, इसमें तो आपके सबसे बड़े भाजपा का युवा मंत्री अरेस्ट किया गया है, भाजपा के नेता का कनेक्शन तो उसमें सामने आ चुका है। तो मुझे लगता है ये स्वयं आकलन करने की जरूरत है, फुटबुक में आने की वजह से अपरिपक्व बयानों की श्रृंखला का जो एक परिपाटी आपने आयाम शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को आहत करता है। और जिस तरह से मंदिर मस्जिद टारगेट किया जाता है, आप भूल जाते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय जो हमारे मसले हैं, अंतरराष्ट्रीय जो नीतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, जिससे कि हमें 2 कदम पीछे आना पड़ा है। और ये बात भाजपा जितनी जल्दी समझ ले उतनी जल्दी भारत और भारत की छवि के लिए अच्छा होगा कि आप केवल और केवल अपने प्रचंड अहंकार की वजह से, प्रचंड बहुमत से जो सत्ता में वापसी की है वो शायद आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आपके प्रवक्ता अनाप शनाप बयान देते हैं, आपके प्रवक्ता अनर्गल बयान देते हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैंने तो ट्वीट किया है कि नुपुर शर्मा जी को वाइस चेयर की सुरक्षा दी जाए। भाई, आप अभिनेत्रियों को सुरक्षा देते हैं, नुपुर शर्मा जी को सुरक्षा देनी जरूरी है, क्योंकि आज अगर उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है, कल को यही हिंदू संगठन सड़क पे उतर के बवाल करेंगे। और अभी अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से
उनके ऊपर FIR हुई है तो कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए ये भी जरूरी है कि उनको सुरक्षा दी जाए ताकि वो कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन कर सके। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब क्या होगी आपके? ईमान नहीं की, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मांग करता हूँ कि उनको आप व्हाइट श्रेणी की सुरक्षा दिलवाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब चाहूंगी मैं आपसे। मैं अमित शाह जी यही इतनी देर से समझा रहा हूँ विवेक जी को, विवेक जी अधिवक्ता कोई आप वाहन लेके सड़क पे निकलते हैं, पर इनका तो कहना है कि जो बीजेपी वो मंदिर मस्जिद को टारगेट करके मुद्दे बनाती है। नहीं, मेरी बात को आप दो मिनट सुन लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ना मिलेगा फिर से पूछ लीजिएगा, फिर समझा दूंगा। कोई आप वाहन लेके सड़क पे निकलती है अमित शाह जी, आपके पेपर अगर कम्प्लीट है आप निकलती चौराहे चौराहे चली जाएंगी, अगर आपके पेपर कुछ कम है और आपने कहीं कोई सिग्नल तोड़ा, कोई कानून तोड़ा, तो आपको ट्रैफिक वाले रोक लेंगे, आपसे पेपर मांगेंगे। अगर आपका पेपर उस मौके पे कंप्लीट नहीं मिला उनको, तो आपकी गाड़ी को सीज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का विषय ये है मकान बुलडोजर वाला, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं और खुद अवैध निर्माण में रह रहे हैं, आप चूंकि कानून तोड़ा, आप लाइन लाइट में आए, आपसे तमाम कागज मांगे जा रहे हैं, आप कागज नहीं पुटअप कर पाएंगे, आपके ऊपर कार्रवाई तुरंत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, ये जो बुलडोजर चला है ये कोई आज का आदेश नहीं है, ये विकास प्राधिकरण के बहुत पहले से आदेश पड़े हुए हैं अवैध निर्माणों को गिराने के। बीज प्राधिकारी का इनको नोटिस आया होगा, ये उसमें जवाब दिए होंगे, जवाब से बीज प्राधिकारी संतुष्ट नहीं हुआ होगा, ये साल दो साल पहले की प्रक्रिया होगी, आज कार्रवाई में आ गए। बेहतर है कानून मत तोड़िए, कानून अगर तोड़ेंगे तो कार्रवाई की जद में आएंगे। इनके खुद के घर शीशे के बने हो, उनको दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, मैं यही इतनी देर से समझा रहा हूँ। पर विवेक श्रीवास्तव जी, सरकार आपकी है, कानून आप डिसाइड कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं आप डिसाइड कर रहे हैं। आफरीन फातिमा का जिसका घर प्रयागराज में गिराया गया है, जो कि छात्रा है, मैं पूछना चाहूंगा क्या वो घर आफरीन फातिमा के नाम पे था? अगर वो अवैध था तो क्या आप उसकी नोटिस दिखा सकते हैं? आपने कहा सालों पहले नोटिस दी गई है सबको, तो वो नोटिस आप जरा पब्लिश करवा पाएंगे? देखिए यादव जी, अवैध निर्माण गिराने से विकास प्राधिकरण को कोई नहीं रोक सकता, और मैं विवेक पांडे जी फिर विद्वान अधिवक्ता, इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां पे नक्शा शामिल दाखिल किया गया, नक्शे के विपरीत मानकों के आधार पे निर्माण हुआ, वहां तो नोटिस होती है, वहां भी बीज प्राधिकारी का प्रोसेस होता है, जहां टोटल अवैध है वहां आप किस नोटिस की बात कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आफरीन फातिमा का घर अवैध था? देखिए जेएनयू की छात्रा होने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी बनाने का पावर मिल जाएगा। ये पूछ रहा हूं, ये उनको बिल्कुल अवैध था, तभी तो गिराया गया, इनको दिखा सकते हैं प्राधिकरण ने जो नोटिस दी है वो नोटिस आप दिखा सकते हैं? ये प्राधिकरण का के स्तर का विषय आप कहेंगे तो वो भी मंगा के दिखा दूंगा। बिल्कुल मंगाइए, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना, आपने कहा कि नोटिस दी गई है, जेएनयू की छात्रा होने से आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता कि आपका मकान कहीं बना रहे हो, उसमें कानून की बात है कि जिन लोगों को आरोपी बनाया जा रहा है, आज उनको ये बताया जा रहा है कि उनके मकान अवैध थे और अभी तक उनके मकान गिराए नहीं गए थे, आज उनके मकान गिराने के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि इनको पहले नोटिस दी जा चुकी है। CAA NRC के दौरान सबसे ज्यादा वसूली की नोटिस दीपक कबीर को दी गई, दीपक कबीर को 22 दिन के बाद सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी। क्यों? और वसूली की नोटिस जो थी उस पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि पुलिस एक सबूत कोर्ट में पेश न कर पाई कि दीपक कबीर जो थे वो आरोपी थे, और इस क्रम में CAA NRC की वसूली के ऊपर जिस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई थी योगी सरकार को, आप यकीन मानिए बुलडोजर का मसला जिस दिन हाईकोर्ट पहुंचा और आफरीन फातिमा जैसे लोग जिस दिन रिट दायर करके कोर्ट जाएंगे, वो वहां सबसे पहले आपसे नोटिस मांगी जाएगी, जो आप यहाँ पे कह रहे हैं। नोटिस बिल्कुल जाए, न्यायपालिका के पास जाए, कोई उसको रोक थोड़ी रहा है, कानून प्रशासन के पास जो था, प्रशासन ने कानून के दायरे में वो काम किया, सही है। सालों साल में अगर दस्ताव पुराना निर्माण है, अगर नक्शा नहीं पास है तो वो अवैध होगा, अगर नक्शे से इतर निर्माण तो भी अवैध निर्माण माना जाएगा। अगर ये अवैध निर्माण थे तो इज्जत नगर कानपुर में जहाँ पे बस्तियां, जहाँ पे दंगे हुए, जहाँ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे आपने चुनाव में वोट क्यों मांगे जाके भाई? अवैध निर्माण, अवैध निर्माण में जुट रही है, अवैध मतदाता चलेगा आपको। राजनीतिक दल के द्वारा वोट मांगने का मतलब विवेक जी ये नहीं होता कि वो बस्तियां
वैध हो गई या वो निर्माण वैध हो गए। अच्छा, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि आधार कार्ड नहीं साबित करता कि निर्माण वैध है। क्योंकि आईडी जो होती है उसमें एड्रेस उसका कहाँ का होता है, कैसे तय होता है कि वो इस वार्ड का है या उस वार्ड का, यूपी का नागरिक। करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या आके हिंदुस्तान में घुस चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती जिलों से उनको आधार भी बना, वोटर आईडी कार्ड भी बना सब बनाने वाली यूएआईडीआई संस्था जो है वो केंद्र सरकार के निर्देश पे काम करती है। आप अपने अधिकारियों को पकड़िए ना, कौन रोक रहा है? दस्तावेजों के आधार पर स्थानीय अधिकारियों के मदद से बन जाते हैं। अच्छा, क्या बात करेंगे बांग्लादेशियों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया नहीं बना है, उसको चिन्हित कौन करेगा? सरकार का काम है बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं आरसी लागू करेंगे पूरे देश में, हमें पश्चिम बंगाल जाने दीजिए, वहां भी आरसी लागू करेंगे। आप उसके लिए क्या तत्काल इंतजार करेंगे? कानपुर में जो जब राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है उसको क्या करेंगे? हमने 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ को ऐसे थोड़ी दे दिया वहां पर, जिन मकानों को अवैध बताया जा रहा है। हमने 50 किलोमीटर का दायरा पश्चिम बंगाल थोड़ी दे पाया, पिछले 5 साल वो दिखाई नहीं दिए, पूर्व कार्यकाल में वो मकान दिखाई नहीं दिए, लेके चलेंगे पूरा लखनऊ घूम लीजिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई सिग्नल तोड़ेंगे, आपका कागज मांगा जाएगा। इसी बात पर सवाल है मेरा, विवेक श्रीवास्तव जी बात नहीं हुई, विवेक श्रीवास्तव जी मैं जाना चाहूंगी। अगर आप प्रॉपर पेपर नहीं दिखा पाएंगे, एक दो कागज इन कंप्यूटर में तो चला होगा। आपके कागज की बात पर सवाल है विवेक श्रीवास्तव जी, क्या बात करते हैं आप? जवाब सुनिए नहीं मेरे, विवेक श्रीवास्तव जी मेरी बात सुनिए, वो साबित करे ना कि उनके पास प्रॉपर पेपर है। विवेक श्रीवास्तव जी मैं क्या कह रही हूँ, आपकी बात है विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, आपका कहना है कि अगर हम गाड़ी चला रहे हैं सिग्नल पर जाके किसी दूसरी गाड़ी को ठोकेंगे और तब हमसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, तो जाहिर है कि हमारी गाड़ी जो है वो सील कर दी जाएगी। जो कानपुर का मास्टरमाइंड है वो सीएनआरसी के टाइम पे भी तो सामने आया था ना, तब ऐसी कोई बात क्यों नहीं हुई, तब उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई, तब भी तो सरकार आपकी थी, तब बुलडोजर क्यों नहीं चलाया सर? नाम का तब से आ रहा है ना सर, सरकार उस वक्त भी आपकी थी, अभी भी आपकी है। देखिए, जब उसके दस्तावेज खंगाले गए, उसमें दस्तावेजों में कमी आई, उसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई हुई, इसमें कौन सी नई बात है? एक विशेष वर्ग के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, और ये जो भगवा धारण करके लगातार हाथों में तलवार लेकर के अन्य हथियार लेकर के जो उन्माद पैदा कर रहे हैं, बगल में पुलिस दिखाई दे रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई जी? अब वो कहां की फोटो आप कहां पेश कर रहे हैं ये विवेक जी, आप जाने, मैं तो फोटो देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, बस यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि जब बात भगवे की आती है तब आप कुछ कहेंगे नहीं, और विशेष करते हैं विवेक जी, सरकार किसी एक जाति की नहीं होती है, सरकार बलवाइयों को संरक्षण देने वाली भी नहीं होती है, सरकार बलवाइयों को संरक्षण भी नहीं दे सकती। तो ये कौन है, इनको आप बलवाई मानते हैं कि नहीं मानते? कहां बलवा कर रहे हैं ये तलवार, कहां बलवा कर रहे हैं ये पूरी नंगी तलवार लेके सड़क पे क्या कर रहे हैं? अरे कोई हथियार लेके, कोई धार्मिक जुलूस होगा उसमें वो अपना लेके निकले, उसमें कौन सी दिक्कत आती है? धार्मिक जुलूस में तलवार लेके निकलना जायज है क्यों? चैनल के जुलूस में तलवार भाले नहीं निकलते क्या? प्रतिबंधित करिए ना, प्रतिबंधित करिए, हम कहाँ रोक रहे हैं? आप करिए आराम से, आ जाएगा। आप इसको जायज मानते हैं? हम क्या ये नाजायज है आप बताइए ना, जायज मानते हैं? तहल्लुक के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में क्या ढोल ताशे नगाड़े बाजे भाले बरसी नहीं निकलते हैं? नहीं तो आप प्रतिबंधित करिए, आप अपने साधों से कहिए कि सरकार से अपील करें, आप उनके धर्म नेताओं को बुला करके रोकिए, कोई रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है? कोई रोक रहा भाई आप ये आप अपने साधों से कहिए सदन में आकर रोकने के लिए। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं बताइए आप, ये कौन लोग? कोई हो, हम उनको नहीं जानते, लेकिन जो भी है अगर वो किसी धार्मिक जुलूस में सफला चल रहे हैं, निकल रहे हैं, अगर उस पर आप प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं तो कहिए अगले साधों से। चलिए, आपकी बात को ऑन रिकॉर्ड लेता हूं कि अगर धार्मिक जुलूस में जय श्री राम के नारे के साथ हथियार लेकर के, अवैध हथियार लेकर के सड़कों पे उतरेंगे तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी।
नहीं आप ये भी रिकॉर्ड में लीजिए ना कि जिस तरह से चेहलों के जुलूस में मुहर्रम के जुलूस में नारायण तकबीर का नारा लगता है उसमें जो असलहे लहराए जाते हैं उसको भी रुकवाने की मांग करिए ना। विवेक जी यहाँ पे कुछ एक गलत भी बात नहीं हो रही है। विवेक जी आप किसी क्यों बात करें कानून सदन संविधान से बनेगा धर्मगुरुओं बनेगा आप कहिए सदन में मांग रखे इस पे प्रतिबंध लगाने की अखिलेश यादव रखिए ना हमने मना किया है उन्हें अखिलेश यादव जी से कहिए आप जिस विषय को उठा रहे हैं आपको पिया है यहाँ पर आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अंतर क्या रहा वो करेंगे आप भी वही करेंगे अंतर क्या रहा इसे अंतर या प्रत्यंतर क्या नहीं है आपने जिस विषय को उठाया मैं उस पर सीधा सा आपको जवाब दे रहा हूँ अगर आपको इस सब नहीं पसंद है तो अखिलेश यादव जी से कहिए बताओ नेता पद पर सदन में मांग उठाए सरकार उसको कानून लाकर के रोक देगी कोई नहीं देगी। जिस तरीके से भाजपा उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करवा करके देश में हिंदू मुस्लिम करवा करके वावाई लूटने का काम कर रही थी आज आप देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेश नीति के फेल होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि 14 देशों के आपत्ति के बाद आज इनको अपने सदस्य को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा जिनको वावाई में जोड़ रहे थे आज इनको देशों के सामने आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है और ये अभी भी वावाई कर रहे हैं। भाई गलती अगर होती है गलती किसी से हो सकती है मुझे लगता है भाजपा को समय रहते थोड़ा सा आकलन करने की जरूरत है कहीं ऐसा ना हो प्रचंड अहंकार के चक्कर में भगवा के चक्कर में भगवाकरण के चक्कर में ये देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक लास्ट स्टेटमेंट है मैं आपको कहना चाहूंगी जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तैयारी काफी जोर से चल रही थी तब एक बात उठी थी कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है और तब से लगातार जो है वो धर्म के ही मुद्दे सामने आ रहे हैं। पहले वो हिजाब विवाद जहां पर कर्नाटक में लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया हालांकि इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं था लेकिन उस मुद्दे ने बहुत तूल पकड़ा और अब उसके बाद ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये स्टेटमेंट जो है वो अब सही साबित हो रहा है। देखिए अमीन शाह जी जो हिजाब का प्रकरण था उसको वर्ग विशेष ने मुद्दा बनाया वो एक सिंपल से विद्यालय के मैनेजमेंट का ये था कि ये ड्रेस कोड लागू होगा उस ड्रेस कोड के खिलाफ में जो छात्राएं आई फिर उसमें जो मजहबी लोग इन्वॉल्व हुए इससे मुद्दा वहां हाईकोर्ट तक गया जी। इसमें सरकार का या भारतीय जनता पार्टी का क्या सहयोग है नहीं अब रही बीजेपी पर ये साफ हुआ था तब से चुनाव चल रहे थे तब से था कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है वो धर्म की राजनीति जो उनका जो प्रोपेगेंडा है वो धर्म की राजनीति खेलता है अब वो आप कहीं ना कहीं सामने आया क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी पर हमला कर रहा है कि आप मतलब जो आपकी पार्टी है वो धर्म की राजनीति करती है। नहीं धर्म की राजनीति हम नहीं फाइनल स्टेटमेंट चाहूंगी मैं आपसे बस देखिए अमीन शाह जी राजनीति धर्म विमुख भी नहीं हो सकती हम धर्म उन्मुख राजनीति करते हैं धर्म के मार्ग पर चलने वाली राजनीति करते हैं हम अधर्म की राजनीति नहीं करते। विपक्ष का जो दर्द है विपक्ष कभी भी जनता के साथ खड़ा नहीं दिखता इसी का कारण है कि विपक्ष जहां है वहां पहुंचा दिया जनता ने उसको और हम धर्म के मार्ग पर चलने की राजनीति करते हैं धर्म विमुख राजनीति नहीं करते। जी विवेक पांडे जी आपसे भी जानना चाहूंगी मैं फाइनल स्टेटमेंट कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बात सामने आई थी कि वो धर्म की राजनीति करती है और अब कहीं ना कहीं ये चीज सामने भी आ रही है क्या कहेंगे आप इस पर। देखिए धर्म की राजनीति करने वाले अगर होते तो शंकराचार्यों का हाथ अवेली थी करते शंकराचार्यों का अपमान नहीं होता इस देश हमारे हिंदू समुदाय में हिंदू धर्म में शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी मुलायम सिंह यादव ने देश में पहली बार की कांग्रेस का समर्थन सरकार करा रहे थे तो मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में पहली बार हिंदू शंकराचार्य गिरफ्तार करने के मुलायम सिंह यादव ने किया है विरोध कर लीजिए आप शंकराचार्य की पत्थर की आपके मुंह से शोभा नहीं देती मिलेगी नाराजगी समाजवादियों के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती लगातार थोड़ा उतार फेंकिए गुरु आचार्य स्वरूपानंद ये काल नेमियों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती छोटा उतार फेंकिए समाजवादी इस तरह की बातें बंद करें समाजवादियों को शंकराचार्य की पद प्रतिष्ठा के ऊपर बात करने को इंतजार नहीं मिलेगी। कड़वा कड़वा थूथू और मीठा मीठा गप आप ही के शब्द थे सदन में मुझे लगता है इसको भी थोड़ा सुनना चाहिए। नहीं बिल्कुल लेकिन ये काल ने भी रूप कठोला मत पहनिए काल ने भी रूप को स्वीकार नहीं करने वाला आपके चंदन और जनेऊ को लोग स्वीकार नहीं करने वाले हैं जान नहीं ये काल ने भी पहन रहे हैं।
अभी विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। बस मैं एक आखिरी सवाल दोनों से इस पर आपका एक एक फाइनल स्टेटमेंट, एक एक मिनट का स्टेटमेंट चाहूंगी कि अब आपको क्या लगता है कि अब जो घरों पर बुलडोजर है, जो कानपुर हिंसा में जो लोग सामने आए हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलना किस हद तक सही है? एक एक मिनट का स्टेटमेंट चाहूंगी मैं वक्त की कमी के साथ। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपसे। अमीन शाह जी, मेरा स्पष्ट सबसे निवेदन है कि ये देश संविधान से चलेगा जी, और संविधान के दायरे में रहें और कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। खासकर वो लोग तो कतई ऐसी हिमाकत ना करें जो खुद शीशे के घर में रहते हो, उनको दूसरे में पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं होता जी, जी। तो ऐसे लोगों को थोड़ा संयम से रहना चाहिए, और अगर आप संयम खोएंगे और ऐसा कोई हरकत करेंगे तो सरकार तो अपना काम करे जी। विवेक पांडे जी, मैं आपको भी जानना चाहूंगी फाइनल स्टेटमेंट, बस एक मिनट का। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बता दूं, अगर ये स्वार्थी संपत्ति है और उसके ऊपर नोटिस सर्व है जो कि ये बता रहे थे, तब तो ये मामला समझ में आता है जी। लेकिन केवल और केवल चिन्हित करके बुलडोजर चला दिया है तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट द्वारा फटकार निश्चित रूप से तय है, बहुत जल्दी फटकार पड़ने वाली है। बस मामला कोर्ट के दरवाजे तक आने की देर हो रहा है। जिस दिन मामला कोर्ट के दरवाजे पहुंच गया, उत्तर प्रदेश सरकार की फलियत और फटकार दोनों के लिए सहज हुई है जी। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विवेक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े। तो देखा आपने कि बीजेपी और सपा दोनों ने अपने पक्ष रखे, और अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि सरकार का अंतिम फैसला क्या होता है। बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ, फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।